हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो रीडिंग 2190। मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही शुभ जाए। आप जो भी आप सोच रहे हैं वो सब आपको मिले। बजरंग बली आप सबकी रक्षा करें, आप सबके साथ रहें। जो भी आप सोच रहे हैं वो ज़रूर आपको मिले। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो ज़रूर आपको मिले। तो आज जो हम रीडिंग लेने जा रहे हैं वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कि आज ये जो टैरो कार्ड्स हैं, जब मैं इनको शफल कर रही हूँ तो आप इनको ध्यान से देखिए। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम आप 3 बार रिपीट कीजिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए 111। थैंक यू कीजिए बजरंग बली का जिन्होंने ये रीडिंग आप तक पहुंचवाई है। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, प्लीज मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि उनके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग क्या है। सी, बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर आपके फेवर में कार्ड आता हुआ दिख रहा है। दिस इज अगेन इन योर फेवर एंड वाओ, आज के जो कार्ड्स यहाँ पर आपके सामने आए हैं वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। सी, लवर्स का कार्ड आ गया है और क्या चाहिए हमें। नेक्स्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है एंड एक कार्ड और निकाल लेते हैं। दिस इज 3 ऑफ एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लास्ट कार्ड की तो लास्ट कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स भी है, कप्स के कार्ड हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो जो यहाँ साइंस मुझे आज दिखाई दे रहे हैं वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्वॉर्ड, जेमिनाई, लीब्रा एंड एक्वेरियस के साइंस यहाँ पर आज हमें शो हो रहे हैं। राइट, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। चलिए हम शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, आप जो आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत मतलब उनको सब कुछ चाहिए है ना। जो वो सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो उनको सब कुछ मिल जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। एंड कहीं ना कहीं देखो, वो उनको सब कुछ चाहिए होता है और इसकी वजह से कई बार उनका दिल भी दुखता है। कई लोग उनका दिल भी दुखा देते हैं और क्योंकि वो भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं दूसरों पर, इसलिए उनको तकलीफ़ भी मिलती है बहुत ज़्यादा और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं दूसरों से। इस वजह से उनको दर्द मिलता है, उनको तकलीफ़ मिलती है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या हम किसी पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, जो आपके पर्सन हैं है ना, जो आपके पर्सन हैं वो बहुत जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोग उनको धोखा भी देते हैं, परेशान भी करते हैं। वो मतलब जहाँ भी जो भी वो काम करते हैं उसको लेकर वो इन सब अपने इस एटीट्यूड की वजह से वो थोड़े से तकलीफ़ में भी रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट्स उनके साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या वो आपके साथ आप इस टाइम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, कप्स का मतलब होता है इमोशंस। इमोशंस भर भर के हैं उनके पास आपके लिए है ना, और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड हैं और आप अपने फ्यूचर को लेकर, आप अपनी अथॉरिटी को लेकर बहुत ही सॉलिड रहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर्स के लिए, अगर आप मेल हैं तो आपके ये फीमेल पार्टनर्स के लिए ये रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर ये स्टोरी और ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की, तो सबसे अच्छा जो अमेजिंग कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दैट इज़ द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि क्योंकि इमोशंस उनके पास आपके लिए बहुत भर भर के बाहर निकल रहे हैं,
तो आपके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है आगे वो बहुत ही अच्छी जाने वाली है। उनको देखो, मुझे जो यहाँ पर बहुत क्लियर फीलिंग आ रही है ना कि उनका जो करियर अभी चल रहा है वो उस करियर में थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अभी पैसे कम है इस रिलेशनशिप में आने के लिए या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ना, उनके पास अभी, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सफिशियंट अमाउंट उनके पास अभी नहीं है या वो करियर में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाएं तब वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो क्या है ना, वो है तो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर और उन्हें सब कुछ चाहिए, वो थोड़े कंफ्यूज भी रहते हैं और जिसकी वजह से उनको थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती है। और अभी क्योंकि उनके पास अभी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में हैं और वो अभी उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपका रिलेशनशिप बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में नहीं आने वाली है। थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए। अभी वो जो रास्ता, जिस रास्ते पे अभी वो चल रहे हैं ना, जिस काम को अभी वो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनका टफ गोइंग चल रहे हैं, उनके करियर में भी थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो जिसकी वजह से वो अभी वेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने आपको शायद प्रपोज भी नहीं किया है जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो आप, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो टाइम चाहिए उनको, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उनको अपने करियर में सेटल हो जाने दीजिए, जो वो अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव कर लेने दीजिए, उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल जा सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, जो कि आपके फेवर में ही जाता है। ये भी आपके फेवर में कार्ड है, ये भी आपके फेवर में कार्ड है, ये पर्सनैलिटीज़ के कार्ड है जो उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर शो हो रही है। तो नो इशू द रिलेशनशिप। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, बजरंग बली का धन्यवाद कीजिए, यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए एंड कमेंट में यस लिखिए अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो। अगर नहीं भी करती है तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बजरंग बली आप सबकी रक्षा करें, आप सबका दिन बहुत शुभ रहे। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।